পার্সন। তো প্রভুর কাছে আমরা আমাদের সকলে আমরা কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি যে প্রভু তার অমৃত বাণীর দ্বারা আমাদের হৃদয় অনেক যাতে আমাদের হৃদয় যাতে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়, সেই জন্য তার অমৃত বাণী দ্বারা আমাদের কৃপা বর্ষণ করুক। সকলে আমরা আনমিউট করে প্রভুকে আমরা স্বাগতম জানাবো। তো সকলে আনমিউট করে প্রভুকে বলুন হরি বল, 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 হরে কৃষ্ণ। আপনার অমৃত বাণী দ্বারা আমাদের শুদ্ধ করুন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। সর্বপ্রথম আমি ক্ষমা প্রার্থী কি আমি ভালো বাংলা বলতে পারি নাই, সেই জন্য আমি হিন্দি বলবো, আমার মাতৃভাষা হিন্দি। আর এখানে অনেক কিছু বলে দেওয়া হয়েছে আমার জন্য, মতলব মেরে লিয়ে মেরে বারে মে বহুত কিছু বল দিয়া গিয়া। অ্যাকচুয়ালি এসা কিছু নেই হ্যাঁ, মানে বস থোড়া থোড়ি বহুত সেবা করতা হুম। আপ লোক বৈষ্ণবো কি কৃপা রহেগি তো মে কুছ ভাগবতম কাহা গিয়া জো ভক্তা হ্যায় উনকো সবসে জ্যাদা লাভ মিলতা হ্যায়, ফির শ্রোতা কো মিলতা হ্যায়। তো কুছ ভাগবতম কি কৃপা হোগি, ভগবান কি কৃপা হোগি, ভক্তো কি কৃপা হোগি হামারে উপর ভি, তো হামারা কুছ হো সকতা হ্যায়। তো সর মঙ্গলাচরণ হম লোগ আরম্ভ করেঙ্গে। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परजना सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने। नामाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगाथधामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो देवेश्च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं वक्तावतारं वक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दं करं परं हरे नामोऽपदं देवो वदतु शिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषवानुस्ते देवे प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सर्वसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के श्लोक नंबर 41 से 44 तक का पाठ करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण होइछेन समस्त अवतारेर उत्सव। तो आरंभ करने से पहले हम लोग भागवतम आरंभ करने से पहले हम हमारे पीछे पीछे बोलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं किं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गृहं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। तो मैं श्लोक सर्वप्रथम पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग को एक अनुवाद पढ़िएगा, क्योंकि मैं बंगाली उतना फास्ट पढ़ भी नहीं सकता हूँ, तो बट थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। तो 41वां नंबर श्लोक है,
तदिदं ग्राह्यम् आस सुताम् आत्मवताम् वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। कोई भी एक जन अनुवाद पढ़िए इनका, इस 41st वर्स जो है 31वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। श्रील व्यासदेव समस्त वैदिक शास्त्र एवं এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুট মণিস্বরূপ তার পুত্রকে তা দান করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রভু। এখানে ইহা পে বতায়া গয়া কি শ্রীল ব্যাসদেব জো হ্যায়, জো সর্বপ্রথম শ্রীমদ ভাগবতম জো হ্যায় ও ক্যা হ্যায়। শ্রীমদ ভাগবতম জিতনে ভি বৈদিক শাস্ত্র হ্যায়, वेद पुराण उपनिषद जो कुछ भी है, संहिता पंचरात्र, हर एक उपनिषद हो या हर एक जगह अगर हम लोग कर लेंगे तो उनका सार है। और ब्रह्मांड में जितने भी इतिहास है उसको, उसका जितना भी सार सारांश है, जो मुख्य तत्व है उसका, उसको निकालकर श्रील व्यास देव ने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में रख दिया। प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रुचिकर तथ्य अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत सारे अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग जो हैं क्या कहते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ है, जो वैदिक वैदिक शास्त्र है वो मिथोलॉजी है। ये बहुत फेमस है, खास करके एकेडमिक वर्ल्ड में जो स्कॉलरली जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाए जाते हैं ये उनको मिथोलॉजी कहते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ बहुत लिखते हैं। और वर्तमान में जो मॉडर्न इतिहासकार जो है, जो आधुनिक इतिहासकार है, वो कहते हैं इतिहास कब से शुरू होता है, जब से भगवान बुद्ध आए थे उसके 600 ईसा पूर्व से मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा गलत है। ऐसा कहना कि जो वैदिक शास्त्र है वो काल्पनिक कहानी या कथा गल्प गल्प जैसे बंगाली में कहते हैं वैसा है तो गलत है। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि जो भागवतम में या अन्य पुराणों में या वेद में जो कुछ भी दिया गया हो हम उसको समझ सके। क्यों? एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में। और अगर हम इसी धरती पर अगर हम किसी दूसरे देश में जाएं, दूसरे देश छोड़िए, हम बंगाल में अभी जैसे हैं, अगर हम बंगाल से साउथ इंडिया जाए वहां पे क्या होता है, उनका खान पान हमारे खान पान से कंप्लीटली डिफरेंट रहता है ना। उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट है। चेन्नई में ठंड पड़ती ही नहीं है तो वहां के लोगों को स्वेटर और जैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे अगर हमने उनको देखा, किसी से सुना कि वो कभी भी स्वेटर और जैकेट नहीं पहनते, और हम कहेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गलत है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम मूर्ख हैं? तो प्रभुपाद जी वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लाइन वहां पे लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान हो। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी और ना ही वे काल्पनिक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भागवतम या कोई भी पुराण वैदिक शास्त्र जो है केवल हमारे जो धरती है, जो हम जहाँ पृथ्वी लोक पर रहते हैं, पृथ्वी लोक की ही बात नहीं करता है, और केवल इसी मनवंतर या इसी युग या इसी चतुर्युग की बात नहीं करता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो जो चतुर्युग का जो साइकिल है, जैसे सत्ययुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर और कलयुग, केवल इसी की बात नहीं करते हैं पुराण। हाँ, तो वो पुराण या वेद जो है वो किसी अन्य लोक की भी बात कर सकते हैं, अन्य ब्रह्मांड की भी बात कर सकते हैं, किसी और ब्रह्मा जी का जो सृष्टि किया हुआ ब्रह्मांड है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए कभी कभार हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले ये बहुत फेमस एग्जांपल है, श्रील प्रभुपाद जी अक्सर दिया करते थे अपने लेक्चरों में कि आप कहेंगे किसी को कि गाय का गोबर जो है शुद्ध होता है तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वेदों में दिया गया है कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया कि उसमें एंटीसेप्टिक गुण या ये बहुत सारी चीजें होती है।
तो इसी प्रकार से अगर हम इसको काल्पनिक कह देंगे तो ये हमारे हमारे लिए मूर्खता है, या कोई भी कहता है तो उसे पूरी समझ में नहीं है कि श्रीमद् भागवतम या अन्य कोई पुराण वेदों में ये सब चीजें क्यों दी गई है। और फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि व्यास मुनि जैसे जो महर्षि हैं, वो उनको क्या बिजनेस था, उनका क्या यही बिजनेस था कि वो काल्पनिक कथाएं हम लोग को देंगे, हम लोग के लिए लिखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में वस्तुतः जो भी है, जो अध्यात्मवादी लोग हैं वो क्या करते हैं कि इसे महापुराण के रूप में लेते हैं। जीव गोस्वामी इस चीज को प्रूव किए हैं तत्व संदर्भ में कि श्रीमद् भागवतम से बढ़कर और कोई भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में ही ये कहा गया, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दर्पम पिबतरा पिबत भागवतम रसमालयम। तो वहीं पे कहा गया श्रीमद् भागवतम के आरंभ में ही, निगम कल्प तरो गलितम फलम। वैदिक शास्त्र जो है वस्तुतः वो कल्प तरु है। कल्प तरु क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ है आम का, आम के पेड़ से हमको क्या मिलेगा, केवल आम का फल मिलेगा, है ना। लेकिन कल्पतरु ऐसा वृक्ष है कि उसके नीचे हम जो सोचे वो हमको दे देगा। तो वैदिक शास्त्र जो है वो कल्पतरु है, उसमें से हम जो चीज ढूंढना चाहे, जिस विषय के बारे में ज्ञान चाहे हमको, वो मिल सकता है। तो उस सारे कल्पतरु का गलितम फलम मतलब एकदम मैच्योर्ड फ्रूट, जैसे आम कब स्वादिष्ट लगता है, जब आम पूरी तरीके से पक जाए, तोड़ के पकाने पे उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा जितना पेड़ से ही पका हुआ आम अगर हम लोग तोड़े, और वो जितना स्वादिष्ट रहता है उतना तोड़ कर पकाने से वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो भागवतम वस्तुतः पका हुआ फल है, जितने मतलब वैदिक शास्त्र जो कल्प तरु है उसका पका हुआ फल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि, या फिर इसको इस तरीके से भी हम लोग तुलना कर सकते हैं कि भागवतम जो है क्षीर सागर की तरह है। क्षीर सागर भी इसी तरीके से है कि उसमें जो भी चाहे, क्योंकि वो भगवान के टेरिटरी में आता है तो वहां जो भी चाहे वो मिल सकता है। और हम लोग जब खीर या मतलब पायस, जब बहुत अच्छे तरीके से पायस बनाया जाए बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो उसी प्रकार से अगर भागवतम को भी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी एक चेतावनी देते हैं, क्या कि दूध या मक्खन कितना भी टेस्टी हो, अगर हम लोग किसी सांप को उसको चखा देंगे पहले और उसके बाद अगर खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए जहर की तरह हो जाएगा। सनातन गोस्वामी को कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद जी बता मतलब कहते हैं कि हम लोग को क्यों इससे चिंतित होना चाहिए कि हम लोग जो प्रामाणिक रूप में जो भागवतम को सही तरीके से नहीं कहता है, जो पैसा कमाने के लिए करता है, जो भक्त नहीं है उसके मुंह से भागवतम पर नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, अवैष्णव मुखोद्विग्नम पुतम हरि कथा अमृतम सर्वानम नैव कर्तव्यम सर्पोश्चितम यथापयः। कि अगर सांप जो है दूध को अगर जूठा कर दे तो क्या होता है, हमारे लिए जहर के तरह हो जाता है। इसलिए जैसे भागवत सप्ताह वगैरह चलते हैं बहुत सारे जगह बाहर में, जो वक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं उसके लिए भागवत सप्ताह करने के लिए, और उसके बाद भागवत कथा करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे लिए आध्यात्मिक मृत्यु के समान है। उसको सुनने से हमारे कान में जो उनकी वाणी जा रही है वो तो इफेक्ट तो नहीं करेगा हमारे ऊपर, साथ ही साथ क्या होगा, जो भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, जो भी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी चाहते हैं अगर हम लोग भागवतम जैसे सुन भी रहे हो नेट पे इधर उधर, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए जो ऑथराइज्ड भक्त हैं, जो प्रॉपर वे में है, उन्हीं के मुंह से सुनना चाहिए। हम लोग अब अगला श्लोक पढ़ेंगे, अगला है, सतु संश्रायामास महाराजम परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परम ऋषि भी। कोई इसका अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण। वैष्णवेर रूपेर धारण ताप योजना कल्पना पशु ता अल्प बुद्धि संपूर्ण मानुष देर एवं नव्य भक्त। ना 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 अनुवाद अगले
अगला श्लोक जो है 42 नंबर श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी गंगार तटे प्रवेशने उपविष्ट एवं महान ऋषिदेर द्वारा परिवेष्टित महाराज परीक्षित के श्रीमद् भागवत सुनिएछिलेन। हरे कृष्ण। तो व्यासदेव के जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत गंगा तट पे सुनाया। अब ये तो आप सबको पता ही होगा परीक्षित महाराज क्या थे। परीक्षित महाराज को श्रृंगी के द्वारा श्राप दे दिया गया था। उनको पता था कि हम साथ ही दिन रहने वाले हैं। तो अब क्या होगा, तो चिंतित हो गए, हर जगह जा रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरी मृत्यु तो आसन्न है, मृत्यु आने वाली है, सबकी मृत्यु होगी, हमारी भी मृत्यु होगी, आपकी सबकी। लेकिन उनको पता चल गया कि मृत्यु होने वाली है, तो उसको वो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में उनको लिया परीक्षित महाराज ने कि अब क्या करें। तो वो अलग अलग ऋषियों के पास, ब्राह्मणों के पास गए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर फाइनली ये हुआ कि आपको भागवत श्रवण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी है, शुद्ध भक्त है, उनके मुख से भागवत श्रवण करना चाहिए। तो वो लोग सारे ऋषिगण जो है वो गंगा के तट पे बैठे परीक्षित महाराज के साथ, और सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर भागवत का पाठ किया। तो भागवत पर जब भागवत का पाठ सुनते सुनते वो गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा तरीके से वर्णन करते हैं कि भागवत जो है, भागवत जो श्रवण है, जो हम लोग श्रवण करते हैं, तब तक वो प्रामाणिक नहीं है। भागवत श्रवण तब तक प्रामाणिक नहीं है जब तक परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता। हम जो श्रवण करते हैं, अगर वो परंपरा में नहीं आ रहा है तो प्रामाणिक नहीं है, उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो नहीं होगा। यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी को दिए ज्ञान, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने व्यास देव को। तो नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन में, नारद मुनि के निर्देशानुसार व्यास देव ने भागवतम लिखा था, और उसके बाद व्यास देव इसी भागवतम को सुखदेव गोस्वामी, उनके पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव को उन्होंने बताया। और सुखदेव गोस्वामी अभी जो है बहुत सारे हजारों ऋषिगण बैठे हुए हैं, जिसमें सुत गोस्वामी भी बैठे हुए हैं, जो कि सुत गोस्वामी बाद में सौनक ऋषिगण को सुनाते हैं कलयुग के आरंभ में, तो सुत गोस्वामी भी बैठे हुए हैं। तो परीक्षित महाराज, सुत गोस्वामी, बहुत सारे ऋषिगण बैठे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं सुखदेव गोस्वामी को। सुख टिया बंगाली में बोलते, टिया टिया से तुलना किया गया है कि अगर कोई फल है और वो पका हुआ फल है तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन अगर उसको टिया पाकी, मतलब अगर तोता जो है उसको चख ले तो उसका मिठास और बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवतम का श्रवण किया गया, तो भागवतम तो ऑलरेडी हर कोई उसको रिलीज करता है, मतलब हर कोई उसका आस्वादन करता है, लेकिन उसके बाद उसका स्वाद जो है और बढ़ गया। तो कहते हैं कि उस समय समस्त ऋषिगण, परीक्षित महाराज, वो सब वहां पे बैठ के श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे। अब श्रीमद् भागवतम कितना आस्वादनीय है, कितना उसमें स्वाद है, इसका इवन तो जैसे शंकराचार्य वो मायावाद का ये करते हैं, निर्गुण या मायावाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत ही बेहतरीन पोएम लिखा है। उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते है। मायावादी लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करके शब्दों को इधर से उधर करते हैं। तो उनका ये भज गोविंदम प्रेयर्स जो है, उसका पहला ही जो श्लोक है उसमें वो बहुत ही एक अच्छा चीज लिखते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते है संप्राप्त सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षित डुंकिंग करने। मतलब कहते हैं कि अरे मूर्खो, ये ग्रामर का जो, व्याकरण का जो रूल लगा के तुम लोग इधर उधर जो कर रहे हो, मृत्यु के समय में ये तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला है। रक्षा क्या करेगा, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में संस्तुति की है कि भगवान मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकार में वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। तो हम लोग
बहुत इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी मृत्यु की तैयारी कैसे कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं आठवें अध्याय के भगवत गीता में पांचवें श्लोक में, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अस्ति अत्र संशयः, कि जो अंत समय में मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, वो मेरे पास आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपना शरीर त्याग कर रहे हो उसमें हम जो सोचेंगे वही चीजें हमारे लिए अगले जीवन में हम वही हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में मुझे जो याद करता है, मैं ये गारंटी दे रहा हूं, याति अत्र नास असंशय, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वो मेरे पास आएगा, गारंटी है कि मेरे पास आएगा ही आएगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज अभी मृत्यु के समय में है, वो चिंतित थे कि अब क्या करना चाहिए मृत्यु के समय में। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं भागवतम का, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण और कीर्तन जो है हमारी भक्ति का भी जो नौ विधि है मुख्य, उसमें से प्रथम दो है श्रवण, सर्वप्रथम तो श्रवण ही है। तो श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने से जो है नारायण का स्मरण भी होता है, भगवान हरि का स्मरण होता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमें मुक्ति तो मिलेगी, भगवान के चरणों में हमें सेवा भी मिलेगा। और भागवत संदेश अगर प्रमाणिक रूप में कहा जाए, परंपरा में आए, तो भागवत संदेश के वक्ता को भी और श्रोता को, दोनों को मुक्ति मिलती है। हम लोग अब अगला जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। पहले कृष्णे स्वधाम गपोपगेते धर्म ज्ञान दिवीस कलो नष्ट दृशा मेष पुराणो अर्को दुनोदिता। कृष्णा श्री कृष्ण जखन तार लीला संवरण करो धर्म ओ तत्व ज्ञान सह निज धामे गमन करलें, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবত দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। তো ভাগবত পুরাণ কে হয় অর্ক সূর্য কে সমান তেজস্বী হয়। ভাগবত পুরাণ কলিযুগ মে লোক কেসে হ্যায় আবি দেখি কলিযুগ কি স্থিতি এসি অন্ধকার মে হ্যায়। ভাগবত মে কাহা গয়া প্রায়ন অল্পায়ুষ सब कला उसमिनो युगो जना युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य सुपाद्रता। तो क्या कहा गया है भागवतम में, प्रथम अध्याय में ही कहा गया है, प्रथम अध्याय के दसवें, प्रथम अध्याय के दसवें श्लोक में, प्रथम उसमें कहा गया है कि कलयुग के जो लोग हैं मंद सुमंद है, मतलब बहुत कम इंटेलिजेंट है, उनमें ज्यादा समझ नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मंद भाग्य भी है। मतलब देखिए हम लोग कितना भी प्रयास कर ले खुश रहने का, दुख तो आते ही आता है कितना भी कोशिश कर ले, तो मंद भाग्य है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कलयुग में आए हैं, है ना। और तो और उस सब के ऊपर क्या है कि हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा कुछ भी हो जाए हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये क्या है, पूरा अंधकार में इसमें है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया है, कुछ दिन पहले इजराइल और उसमें हो रहा था, हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहता है, वे महंगाई बढ़ती रहती है, ये बढ़ती रहती है, दुख हमेशा बढ़ता ही रहता है यहाँ जितना, और कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अंधकार में समय है, अभी वर्तमान में जो समय है जहाँ हम लोग रह रहे हैं बहुत ही अंधकार में, कल क्या होगा पता नहीं, कितना क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में भागवतम जो है सूर्य के रूप में आया है, सूर्य के रूप में क्या तेजस्वी है, और वो भी कब, जब भगवान का अपना शाश्वत धाम है, भगवान धरती पर आते हैं। भगवत गीता में तो कहा गया है कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, या राक्षसों की जो असुरगण है उसकी हत्या करने के लिए। बट भगवान इस उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान इसलिए आते हैं कि वो जब यहाँ पर लीला वगैरह करते हैं तो लोग उनसे आकर्षित होते हैं, उसके बाद उनके प्रति उनके पास आते हैं। जब उनसे आकर्षित होते हैं तो क्या होता है कि वो फिर से भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। तो हम जीवों के उद्धार करने के लिए आते हैं, उनका बस वास्तविक कारण तो यही है कि जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, फिर से अपने पास लेके ले जाने के लिए आते हैं भगवत की। और भगवान जो है अपनी
वो इस तरीके से नहीं है कि वो हम लोग के जैसे आते, नहीं, वो अपनी माया से आते हैं। भगवत गीता में कहा भी गया है चौथे अध्याय में कि अजो पिशन व्यात्मा भूता मनीश्वरो पिशन प्रकृतिम स्वादिष्टा माया संभवामी आत्म माया। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी माया से अवतार लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ और मेरा जो शरीर है वो भी अलौकिक है, दिव्य है और कभी ये इसका क्षय नहीं होता है। फिर भी मैं जो है, भगवान कह रहे हैं कि मैं जीवों के बीच में आता हूँ, कैसे, मैं अपनी माया से आता हूँ, योग माया के थ्रू आते हैं भगवान। और भगवान जब आते हैं भौतिक जगत में तो अलग अलग लीला करते हैं, लोग उनसे अटैच्ड होते हैं, लोग उनसे आसक्त होते हैं, और जब उनसे आसक्त होते हैं तो पुनः उनके पास जाने का प्रयास करते हैं। वो भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है कि पतित जीव जो है धरती पर पृथ्वी लोक पर उसका उद्धार हो सके। श्री प्रभुपाद जी लिखते भी हैं तात्पर्य में, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हैं, क्योंकि भगवान को अगर किसी असुर को मारना होता है तो उनके लिए क्या है, वो तो जस्ट सोचेंगे और खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो बहुत चिंतित रहते हैं जब वो आते हैं यहाँ पर, मतलब जीव उनको छोड़ के चला गया, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होता है। कैसे, जब आप जय विजय के भी एपिसोड में देखेंगे, भागवतम में आता है जब चतुष्कुमार भगवान के पास आए और जय विजय उनको अंदर आने के लिए नहीं दे रहे थे, तो चतुष्कुमार ने उनको श्राप दे दिया, तब भगवान स्वयं आए और क्या बोले, क्योंकि मेरे सेवकों ने आपके साथ ऐसी गलती की है तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान इतने दयालु हैं कि वो बोले, क्योंकि अगर किसी मालिक का कोई सेवक गलती करता है, इसका अर्थ यह है कि मालिक ने सेवक को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, इसलिए वो गलती कर रहा है, तो वो सारी गलती जो है अपने ऊपर ले रहे हैं जय विजय की, इतने दयालु हैं वो, तो इसलिए वो बहुत चिंतित रहते हैं और इसलिए पतित जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। बृहद भागवत अमृता में सनातन गोस्वामी बहुत ही अच्छा गोप कुमार का यात्रा वर्णन किए हैं कि गोप कुमार कैसे धरती पर से स्वर्ग से होते हुए वैकुंठ धाम से होते हुए गोलोक धाम गए थे। तो वहां पे बस मैं ये चीज बताऊंगा, जब गोलोक धाम जाते हैं गोप कुमार पहुंचते हैं तो क्या होता है, भगवान जैसे ही गोप कुमार को देखते हैं भगवान मूर्छित हो जाते हैं, मतलब उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि एक जीव जो मुझे छोड़ के चला गया था मेरे पास फिर से आ गया, उनको गले लगाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, भगवान मूर्छित हो जाते हैं, उनको इतनी खुशी होती है गोप कुमार को देख के। फिर गोप कुमार ये देखते हैं भगवान की इतनी दयालुता इतनी करुणा कि वो मूर्छित हो जाते हैं अपना। तो भक्त और भगवान में इसी तरीके से प्रतियोगिता होती रहती है एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान पतित जीव के उद्धार के लिए आते हैं। और यहाँ और चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए तो उन्होंने स्वयं प्रदर्शन किया कि भक्ति किस तरीके से किया जाए। तो वास्तविक कारण क्या है कि धर्म की जो संस्थापना है वो भगवान के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। सबै पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति अधोक्षजे, यही तो धर्म वस्तुता है क्या, कि जो भगवान के द्वारा दिया गया जो पंथा है, जो रास्ता है, जो पथ है, वही धर्म है। और भगवान के अलावा और कोई धर्म का जो नियमन, जो आइन बंगाली में बोलते हैं, वो नहीं बना सकता है। भगवान के ही पास पूरा का पूरा ये अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके के सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं, वो भगवान ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पे कहते हैं कि जो धर्म की जो स्थापना है भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो और वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म है सबै पुंसाम परो धर्मा अथो भक्ति अधोक्षजे। वास्तविक धर्म क्या है कि भक्ति और सब धर्म जो है कि हम धर्म परायण काम करेंगे, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, नहीं, ये चीज नहीं है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म है भगवान को जानना, उनके प्रति
जो हमारा संबंध है उसको जानना, और हम जब ये शरीर त्याग देंगे तो उसके बाद जो हमारा गंतव्य स्थल है गोलोक वृंदावन, वहां पे जाना। प्रभुपाद जी हमेशा यूज करते थे, मैगजीन भी उनका भगवत दर्शन पत्रिका हिंदी में या बंगाली में रहता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, मतलब बैक टू गॉडहेड, भगवान के पास वापिस फिर से जाना है भगवत धाम। तो ये चीज, ये वास्तविक धर्म है, ये नहीं कि हम कुछ सेवा की, मतलब जस्ट इधर उधर कुछ गरीबों की सेवा, ठीक है गृहस्थों को ऑफकोर्स करना ही चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर भी कहते हैं गृहस्थों का कर्तव्य है, परंतु ये चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म भगवान की सेवा करना है। लेकिन अभी का समय क्या है, अभी का सिचुएशन, हम लोग पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुनम च नराणाम पशु भी समानाम, मतलब नर और पशु, मनुष्य और पशु में क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन एक समान है। और मोस्टली पीपल जो है, अभी जितने लोग हैं अंधाधुंध भागते हैं पैसा कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, और उस चक्कर में पूरा का पूरा भूल जाते हैं कि कुछ भगवत भक्ति भी करनी चाहिए, वो भूल जाते हैं। या फिर कोई अगर बहुत धार्मिक हुआ भी तो क्या करते हैं, धर्म से अर्थ का, मतलब धर्म अर्थ का मोक्ष जो है उसका ये करते हैं। चाणक्य पंडित भी कहते हैं धना धर्म तथा सुखम, हाँ जो उनको धन होता है तो वो क्या करते हैं कि कुछ परोपकारी कार्य करते हैं, उससे उनको थोड़ी खुशी मिलती है, स्वर्ग मिल जाएगा तो वो चीज करते हैं। नहीं, कितना भी कर ले, कलयुग में, कलयुग जो है ये इसी चीजों को लोग बढ़ा चढ़ा के आप बहुत सारे सुनेंगे नेट वगैरह पे, या जो भागवत कथा वाचक भी आते हैं वो कहते हैं ये दान कीजिए वो दान कीजिए, तो वो सब अंधा बना रहे हैं। ये जो है तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में हो रहा है। वास्तविक धर्म तो भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है। और आध्यात्मिक ज्ञान और जो ये जो धार्मिक जो ये स्वर्ग जाने का या देवताओं की पूजा वगैरह का ऐसा जो है उसका कोई सरोकार नहीं है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग जब पहले, अगर जब हमें ज्ञान नहीं रहता है आध्यात्मिक ज्ञान, तो हम लोग क्या मांगते हैं कि भगवान से या फिर किसी भी देवी देवताओं से कि हमें ये सुख दो, हमें धन दो, हमारा ये चीज क्लियर करवा दो, ये चीजें मांगते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी भौतिक संपन्नता ही होगी। रूपा जी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि वे इतने अंधे हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते हैं, उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रकृति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। और अभी देखिए लोग क्या होता है, ज्यादा पैसा हो गया, गाड़ी है घर के सामने, तो उसको लगता है कि हम मतलब कुछ हैं, है ना। अगर कि कोई गरीब है तो उसके लिए उसको कुछ ये नहीं करना है, मतलब। तो इस तरीके से लोग अभी जो धन है या किसी को ज्यादा ज्ञान हो गया है उस चीजों पे लोग बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होती है कि जो परम लक्ष्य है, जो वास्तविक लक्ष्य है, वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ होने से कुछ समय पहले प्रकट हुए थे, लेकिन वो दिव्य धाम वापिस चले गए। अब हम लोग सोच सकते हैं भाई भगवान तो है नहीं, जब भगवान थे तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें कौन ज्ञान देगा। प्रभुपाद जी लिखते नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो है वो स्वयं भगवान के ही अवतार है, लिटरेरी अवतार। लिटरेरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, साहित्यिक अवतार है। वो स्वयं यहाँ पे आए हैं, श्रीमद् भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के रूप में स्वयं आए हैं। और तो और जब वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हैं तब तो उनका मिठास और बढ़ गया है, उनमें जो मिष्टीपन जो है वो और बढ़ गया है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, ये दोनों ग्रंथ जो है, ये कलयुग में जो हम लोग रहते हैं हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। जो समुद्र के पास में जहाँ पे सी पोर्ट रहता है शिप वगैरह के लिए, वहां पे लाइट हाउस रहता है, दूर दूर तक लाइट जाती रहती है। तो भागवतम और भगवद गीता जो है वो वास्तविक प्रकाश दिखाते हैं हम लोगों को। इसमें ये
और अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को उस तरीके से श्रवण करेंगे जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने बताया था और परीक्षित महाराज ने सुना था एकदम श्रद्धा के भाव से, तब क्या है कि हम साक्षात भगवान को उसमें देख सकते हैं। 1.2 मतलब फर्स्ट सेकंड श्लोक में ही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को अटेंटिवली ध्यान पूर्वक और सबमिसिवली और उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए अगर हम श्रवण करेंगे तो साक्षात हरि जो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण किया जाए वो वैसे भक्तों से करना चाहिए जिनके मन में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या भाव, धन कमाने की आकांक्षा, ऐसा नहीं, कभी कभार ये भी होते हैं, हम लोग उनसे भी सतर्क रहना चाहिए कि कुछ भक्त आते हैं जैसे भागवत प्रवचन करेंगे और उनको उनकी ये रहती है हमको कितना डोनेशन मिलेगा, तो उस सब समय हम लोग को बहुत ही केयरफुली ये करना चाहिए कि प्रॉपर वे में गाइड, मतलब जो लोग प्रॉपरली भागवतम को प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे श्रवण करना चाहिए, तब हम लोग साक्षात भगवान को देख सकते हैं। उन लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए जो कि प्रामाणिक रूप से भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, उन लोगों से भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अंतिम श्लोक हम लोग देखेंगे अब। तत्र कीर्तयतो विप्र विप्रशेर भुरिते जसा हम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्त अनुग्रहात् सोहं श्रावयिष्यामि यथादीतं यथामति। अनुवाद कोई पढ़िएगा, ये पढ़ेनी अनुवाद आगे तीन अर्जुन पढ़े। हे तत्वज्ञानी ब्राह्मणगण महाराज परीक्षितेर समक्षे, सुखदेव गोस्वामी जखन श्रीमद् भगवत कीर्तन करें तखन निविष्ट चित्ते आमि ता श्रवण करेछिलाम एवं ताई सेई महान शक्तिशाली विप्र ऋषिर कृपाय आमि श्रीमद् भगवत हृदयंगम करेछिलाम। एखन तार काछ थेके आमि जा शुनेछिलाम ता आमार उपलब्धि अनुसारे आपनादेर शोनाते चेष्टा करब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुख जो सॉरी सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की सम्मेलन है वहां पे सभा लगा हुआ है वहां पर, तब सुत गोस्वामी कह रहे हैं ब्राह्मणों से कि जब महाराज परीक्षित की उपस्थिति में सुखदेव गोस्वामी वहां पर भागवतम सुना रहे थे, वो अपना क्वालिफिकेशन अभी बता रहे हैं कि हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं भागवतम, लेकिन हम अगर हम आपको बता रहे हैं तो क्यों हमारे द्वारा जो बताया जाएगा वो लाभदायक होगा, और हम लोगों को वो एक तरीके से निर्देश भी दे रहे हैं कि हम लोगों को भागवत किस तरीके से श्रवण करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम पाठ कर रहे थे परीक्षित महाराज की उपस्थिति में, तब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उसका श्रवण किया। तो जब हम लोग भागवतम पाठ हो रहा हो कहीं पर प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, या भक्त जो कि सही तरीके से आपको भगवान के पथ पर ले जाना चाहते हो उनके द्वारा, तो हम लोग को ध्यान पूर्वक भागवतम का अध्ययन करना, भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और साथ ही साथ उनकी कृपा का कृपा उनसे मांगना चाहिए, वो कहते हैं, और उनकी कृपा से जो हमारे गुरुदेव हैं, अगर गुरुदेव से हम सुन रहे होंगे, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, अगर हम जब शिक्षा गुरु से सुन रहे होंगे, तो उनसे कृपा का आग्रह करना चाहिए। तब जब हम इस तरीके से करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उन ज्ञान को हमारे अंदर बहुत आसानी से, हमारे अंदर उस समझ को बैठा देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब वो आगे कहते हैं ये मेरा क्वालिफिकेशन क्या, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सुना है, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है और उनकी कृपा से मैंने भागवतम सीखा है, तो अब क्या है, तो अब मैं जो आपको बताने का प्रयत्न करूंगा वही चीज करूंगा जो मैंने सीखा है और जो मैंने आत्मसात किया है। आत्मसात करना मतलब ज्ञान जो है तीन तरीके से लिया जाता है, पहला क्या है कि जिसे हम श्रवण करते हैं, उसके बाद उसको आत्मसात करते हैं, जो चीज कर रहे हैं
उसको जो चीज हमने सीखा है उसको करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद कंप्लीटली रियलाइज करते हैं, रियलाइज को मतलब साक्षात्कार करते हैं उस ज्ञान का। तो यही चीज है, जो चीज हम सीखेंगे, जो चीज हम सुनेंगे उसको सीखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसको उस तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, जीवन में उसका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी वहां पे इस तात्पर्य में बहुत ही अच्छा चीज लिखते हैं कि भागवतम जो है, भागवतम शुद्ध स्वरूप, जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा, स्वरूप सिद्ध महात्मा जो है, उन्होंने जब भागवतम का पाठ किया अगर, तो उसमें अगर उस तरीके से हम भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने प्रपोर दिया है, श्रील प्रभुपाद जी की जब हम किताबें पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद भी स्वरूप सिद्ध महात्मा है, नित्य सिद्ध भक्त है, वो जीवों के उद्धार के लिए आए थे, तो उन जैसे महात्माओं का जब हम पढ़ेंगे, जब शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे, उनका पढ़ेंगे, तब क्या होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। तब क्या होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, जो उन्होंने लिखा है उसको हम आत्मसात करेंगे, उसको अपने जीवन में उपयोग करने का, प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग सही में भगवान को देख सकते हैं उन पृष्ठों में। भगवान को देख सकते हैं मतलब क्या, अगर भगवान की कृपा होगी तो साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान को देख सकते हैं मतलब जो उसमें बताया गया है, जब हम लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे जो चीजें कही गई है वही चीज हो रहा है, भगवान हमारा केयर कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी आगे फिर से वार्न करते हैं इसमें वही चीज, लेकिन हमेशा ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कथावाचक या ऐसे टीकाकार का भागवतम नहीं पढ़ना है, या ऐसे कथावाचक से नहीं सुनना है जो धन कमाने में विषय भोग की लालसा के लिए भागवतम पाठ करेगा, पैसा मिलेगा, फिर उससे विषय भोग करेगा, उन लोगों से कदापि नहीं सुनना है। और वो कहते हैं कि भागवतम समझने का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? यही रहस्य है कि हमें वैसे भक्तों से सुनना है जो कि हमारे लिए, हमें भगवान के पथ पे, भगवान के पास ले जाने के लिए चिंतित हो। उनका ध्येय ये नहीं हो कि हमको धन कमाना है इससे और उस धन से हमको विषय भोग करना है, नहीं, या उन लोगों से भी नहीं जो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते हो और अपना जो ज्ञान का जो है उसे ही बघारना हो, उसको ज्ञान दिखाना हो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन लोगों से भी नहीं सुनना है। सुनना किससे? जो प्रॉपर भक्त है, किससे? जो भगवान की भक्ति पर हमको अग्रसर करवाना चाहते हैं। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का आप किताब पर पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा प्रभुपाद जी भक्ति कितना सहज बना करके दिए हैं सबके लिए, इतना सहज बना करके दिए हैं कि कोई भी, और प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं इतना सिंपल सहज भाषा में, सरल भाषा में है कि कोई भी समझ सकता है, उसको पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, उसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि अगर भागवतम को समझना है तो सुखदेव गोस्वामी के जैसे जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, जिनका ध्येय जो है, जिनका उद्देश्य जो है, ये नहीं कि हमको पैसा कमाना है या हमको ये करना है, हमको अपना ज्ञान बांटना है, उन लोगों से सुनना चाहिए जो हमारा केयर करते हैं, उन लोगों से सुनना चाहिए, तभी जो है भागवतम जो है इफेक्टिव, उसका जो क्या बोलते हैं प्रभाव जो है हमारे ऊपर आएगा। और भागवतम का रस जो रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम, तो वो जो रस है उसका जो वास्तविक स्वाद है हम अपने कान के द्वारा तभी ले सकते हैं जब हम वैसे लोगों से श्रवण करें, वैसे लोगों का कमेंट्री जो तात्पर्य जो टीका किया हुआ है, उन वैसे भक्तों का तात्पर्य पर है, तभी हम उसको उसका आस्वादन कर सकते हैं। और बहुत ही ध्यान पूर्वक, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बार बार भागवतम में आप बहुत जगह देखेंगे कि भागवतम जब भी श्रवण करना है या भगवान के संदेश को जब भी श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक करना है और सबमिटिंग मतलब अपने आप को सबमिट करते हुए श्रद्धा पूर्वक करना है कि हाँ इसमें जो भी चीजें कही हुई है एकदम सत्य है। हो सकता है कि हमें अभी वो समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे ये सही है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में विशेषकर भागवतम, भागवतम को तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अमल पुराण कहा है कि उसमें कोई भी दाग ही नहीं है, मल दोष मुक्त है, मल मुक्त है, उसमें मल हीन है,
उसमें कोई दोष नहीं है, हर तरह से वो निर्मल है। जैसे गंगा जल भी हम लोग स्नान करते हैं तब शुद्ध माना जाता है, लेकिन भागवतम का तो कहा जाता है कि भागवतम के दर्शन मात्र से, भागवत ग्रंथ का भी और भागवत व्यक्ति का भी दर्शन मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। तो इतना अमल पुराण है भागवतम। तो भागवतम जो है केवल हमारे कर्म, मतलब कर्म को ही शुद्ध नहीं करता है, मन को शुद्ध करता है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होता है तब तक हम बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन भी नहीं सकते। लेकिन कैसे हम अब ये बोलेंगे कि प्रभु जी हमारा मन तो शुद्ध नहीं है इसलिए हम ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नहीं, उसका भी रेमेडी यही है, औषधि जो है उसका भी यही है कि बारंबार भागवतम श्रवण करते जाना है। तो उसके श्रवण से ही हमारा मन कर्म वचन सब शुद्ध हो जाएगा। हरिनाम का जप करते रहना है, मतलब अटेंटिवली और पूरा जितना 16 माला जो है प्रॉपरली प्रॉपर वे में करते रहना है, भागवतम का श्रवण करते रहना है, यही प्रोसेस है कि ऑटोमेटिकली हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध होते रहेगा हमारा जो अटेंटिवनेस है, जो ध्यान है, वो चीजें बढ़ती रहेगी। तो प्रभुपाद जी बहुत ही एक अच्छा लिखते हैं कि जो आहार निद्रा भय और मैथुन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता, और जो कर्म में शुद्ध नहीं है वह मन में भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो यही है कि जब इसका क्या, जो आहार निद्रा रक्षा तथा मैथुन, हम लोग जो इस पे बहुत ध्यान देना है कि हम लोग जो लेते हैं हमेशा प्रयास करते रहना है कि जितना संभव हो सके, जितना संभव क्या, प्रभुपाद तो इतना मतलब बोलते थे अपने समय में कि भक्तों को कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए। भले हम यात्रा कर रहे हो उस समय भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद लेके चले इतना, या फिर ऐसा अगर कॉन्टेक्ट है जहाँ कहीं जा रहे हैं ट्रेन में तो कोई भक्त अगर आके हमको कृष्ण प्रसाद दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे जैसा आहार रहता है वैसा ही मन होता है। अगर हमारा आहार वाचो बेगम मन सा क्रोध बेगम, जो उपदेशामृत है उसका प्रथम श्लोक में वाचो बेगम मन सा क्रोध बेगम, तो ऊपर से ही शुरू होता है, जीव से ही शुरू होता है। तो आहार जैसा रहेगा हमारा कर्म मन भी उसी तरीके से, और उसके बाद हम कर्म भी उसी तरीके से कर सकते हैं करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो आहार निद्रा और रक्षा और मैथुन में शुद्ध नहीं है वो कर्म में भी नहीं शुद्ध हो सकता है। और जब हम कर्म में नहीं शुद्ध होंगे तो हम ध्यान पूर्वक श्रवण कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसका रेमेडी औषधि भी यही है कि अगर हमको शुद्ध होना है अपने आहार में निद्रा में मैथुन में और रक्षा के लिए, तो हमको भागवतम का श्रवण करते रहना पड़ेगा। और भागवतम में जो कहा जाता है उसका उसको फॉलो करते, उसका अनुसरण करते रहना पड़ेगा, यही चीज है। तो और उसके बाद यदि हम इस तरीके से भागवतम का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल प्रारंभिक पृष्ठों में ही हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा, हमको पूरे भागवतम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आरंभ से जो हम शुरू करेंगे और उसमें प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर सुंदर जो व्याख्या किया गया है वहीं पे हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनना पढ़ना आरंभ करेंगे, सुनना आरंभ करेंगे तो वहीं पर हम लोग कर सकते हैं। हमको ये जरूरी भी नहीं कि हम लोग पूरे आगे जाए, मतलब उतना दूर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और हम ये चीज फील करने लगेंगे कि हाँ हमें उन्नति हो रही है, भगवान को हम लोग भगवान की जो 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 भी चीजें चल रही है कैसे भगवान हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं वो चीजें हमें पता चल सकती है। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय का जो 41 से 44 नंबर श्लोक तक था वो समाप्त हो गया है। तो तृतीय अध्याय समाप्त हुआ यहीं पे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न कोई कमेंट कुछ है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न था आप बोलते पारें। हरे कृष्णा। अच्छा कारो को प्रश्न ठीक है प्रश्न ना थकले हिंदी समझ में आई तो मैं बंगाली बोल नहीं पाता हूँ इसलिए शायद ठीक है प्रभु सब सबको समझ में आया थोड़े बहुत जो भी है तो आप कृपा करिएगा हम लोग के ऊपर ऐसे ही आप कृपा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग हरि गुरु वैष्णव कृपा हम पर बनाए रखिए प्रभु श्री ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय बाय।
জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম।